जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा उमड़ी रहती है। कड़कड़ाती धूप हो, बारिश का मौसम हो या ठिठुरती ठंड, भक्त महाकाल के दर्शन के लिए हमेशा कड़ी तादाद में आते हैं। कोरोना महामारी के चलते मंदिरों के बंद होने के निर्णय के बाद भक्त काफी हताश हुए थे, लेकिन अब 28 जून से भक्त महाकाल दर्शन फिर से कर पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर 28 जून से खुलने के निर्णय के बाद तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। इसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 24 से 48 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 6 से रात 8 बजे तक 7 स्लॉट में दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा गर्भगृह और नंदी हॉल में दर्शनार्थियों को प्रवेश फिलहाल नहीं मिल सकेगा। मंदिर परिसर में स्थित सभी देवस्थान दर्शन के लिए खुले रहेंगे। साथ ही साथ इस बार श्रावण महोत्सव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भस्म आरती व शयन आरती में सामान्य श्रद्धालुओं को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह सहित बैठक ने एक और अहम फैसला लिया है। महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित भूमि पर अतिक्रमित 147 मकानों में रहने वाले 250 परिवार को हटाकर प्रति परिवार 3 लाख रुपए के मान से राशि देने का निर्णय लिया गया। इनके हटाने से करीब 1.6 हेक्टेयर भूमि मंदिर परिक्षेत्र विस्तार के लिए उपलब्ध होगी।